दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है हमारे सामने, 30/9/2021 का फैसला। इसमें जो है वो डिस्कस किया गया है, इसमें इंस्टेंट क्रिमिनल अपील में एपिलेंट हैज़ अजेल्ड द जजमेंट डेटेड 30/11/2019 पास बाय लर्नर जज एंटी टेररिज्म कोड 3 लाहौर, वेयर बाय इन केस अराइजिंग आउट ऑफ FIR फलां फलां डेटेड फलां रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 363 PPC सब्सिक्वेंटली ऑफेंस अंडर सेक्शन 365A PPC रेड विद सेक्शन 7A ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 वेयर एडेड एट पुलिस स्टेशन शफीकाबाद डिस्ट्रिक्ट लाहौर लर्नर ट्रायल कोर्ट बाय होल्डिंग दैट चार्ज अंडर सेक्शन 365A PPC has not been proved, convicted and sentenced him as under section 363 PPC जो है वो इसको जो है 7 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना, और अंडर सेक्शन 343 PPC के तहत इसे 2 साल की कैद। बोथ द सेंटेंसेज वर ऑर्डर टू रन कॉन्करेंटली एंड बेनिफिट ऑफ सेक्शन 382 BCRPC was also extended to the convict appellant। ये जनाब सजा उसको सुनाई गई, 7 साल एक, 2 साल एक, 25,000 रुपये जुर्माना। फैक्ट इसका जो है वो स्टोरी के ये हैं कि एप्लीकेशन सबमिटेड बाय मोहम्मद वसीम कंप्लेनेंट PW 12 रिटर्न एप्लीकेशन आर डेट ऑन 29/6/2019 एट 1:45 PM पौने 2 बजे। मरीब जो है वो कंप्लेनेंट की जो बेटी है जिसकी उम्र 9-10 साल है, उसने पिंक शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ है, मेंटली वो रिटार्डेड बच्ची है, बच्ची जो है वो ज़हनी तौर पर उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। वेंट आउटसाइड द हाउस ऑफ कंप्लेनेंट इन आर्डर टू परचेज सम ईटेबल थिंग्स फ्रॉम शॉप, बट सम अननोन अक्यूज अबडक्टेड हर एंड दिस अक्रंस ऑफ अबडक्शन वॉज विटनेस बाय हाजी तारक PW 17 एंड उस्मान PW 18। कंप्लेनेंट की जो एप्लीकेशन थी उसमें कहा जी मेरी बेटी 9-10 साल की जिसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, उसने पिंक रंग की शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ है और इसको जो है वो ये अब दुकान पर कोई चीज़ खाने के लिए लेने के लिए गई है, मेंटली रिटार्ड है, इसको चंद नामालूम लोगों ने अगवा कर लिया है जिसको हाजी तारक PW 17 और उस्मान PW 18 ने देखा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव सेड एप्लीकेशन केस वाइड FIR नंबर 1041/2019 डेटेड 29/6/2019 अंडर सेक्शन 363 PPC वाज रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन शफीकाबाद डिस्ट्रिक्ट लाहौर 363 PPC के तहत केस दर्ज किया गया। On the conclusion of the investigation, the appellant was challenged to the court and was formally charged under Section 365A PPC and Section 7E of the Anti-Terrorism Act, to which he pleaded not guilty and criminal trial. Prosecution got examined 22 witness, 22 गवाहों को इसमें देखा गया और लर्नर ट्रायल कोर्ट ने कंक्लूजन ये निकाला कि जनाब के लर्नर कोर्ट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल हैज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस द अपीलेंट एज मेंशनड अबव, उसे 7 साल एक, 2 साल एक, 25,000 रुपये जुर्माना लर्नर ट्रायल कोर्ट ने इसको दे दिया एंटी टेररिज्म कोर्ट ने। लर्नर काउंसिल फॉर द अपीलेंट हैज सबमिटेड दैट कन्विक्शन रिकॉर्डेड एंड सेंटेंस अवॉर्डेड टू द अपीलेंट थ्रू इम्प्यूम जजमेंट आर अगेंस्ट द लॉ एंड फैक्ट्स। अपीलेंट ने जो मुलजम था उन्होंने अपील फिर की हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया कि ये हालात वाकियात के ख़िलाफ़ है और ऐसा जो है वो सूरत हाल नहीं है। आर्गूमेंट्स ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने सुने, उसमें कहा एडमिटली नाइदर डिमांड फॉर रैंसम हैज़ बीन प्रूव्ड नॉर रैंसम हैज़ बीन पेड एंड लर्नर ट्रायल कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 365A PPC हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने ये कहा कि ना तो रैंसम यानी कि तावान की रकम मांगी गई, ना अदा की गई, और 365A PPC प्रूव नहीं होता। इट हैज़ बिन नोटिस्ड दैट नो वन वाज नेम्ड एज अक्यूज इन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस,
केस में किसी को नामजद नहीं किया गया। तो इसी तरह मजहर अब्बास प्रेजेंट इन कोर्ट इज नॉट द अक्यूज ऑफ दिस केस, आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ ही इज एक्विटेड फ्रॉम दिस केस। ये हाजी तारक का बयान है जी, जो उसने दिया कि जना मैं नहीं इसको जानता। तो दोस्तों, इवन एनी अदर विटनेस हैज नॉट डिपोज इन द कोर्ट टू द फैक्ट दैट ही हैज सीन प्रेजेंट अपीलेंट व्हाइल अबडक्टिंग अलेज्ड डिटेन्यू, किसी ने भी नहीं देखा उसको गिरफ्तार हो बच्ची को अगवा करते हुए मीरब को। सो नटशेल इज दैट एनी सब्सटेंटिव एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ आई विटनेस अकाउंट लास्ट सीन और इवन वजह तकरार हैज नॉट बिन प्रोड्यूस बाय द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द अबडक्शन ऑफ अलेज्ड डिटेन्यू, देयरफॉर पोजेशन प्रोसिक्यूशन हैज बिन फेल्ड टू एस्टैब्लिश चार्ज ऑफ अबडक्शन अगेंस्ट प्रेजेंट अपीलेंट। एज फार एज अलेज्ड रिकवरी ऑफ अबडक्टिव फ्रॉम द कस्टडी एंड हाउस ऑफ अपीलेंट इज कंसर्न्ड, कहते हैं जी घर, उसके घर से ये बरामद हुई है, ये इसका क्या वजह है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मैंशन हियर दैट रेडिंग टीम वॉज कंप्राइजिंग अपॉन सजावर तारक, इंस्पेक्टर अशफाक बट, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स हु वर पोस्टेड इन लाहौर। केस वॉज ऑल्सो रजिस्टर्ड इन लाहौर एंड सेम वॉज बींग इन्वेस्टिगेटेड इन लाहौर। हाउएवर दे रेडेड हाउस ऑफ प्रेजेंट अपीलेंट इन द विलेज कुरियाला विच इज सिचुएटेड इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन कस्सो की तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद। हाफजाबाद में जाकर इन्होंने इसे बरामद किया है और ना तो इन्होंने वहाँ जाने की पुलिस स्टेशन को इतला की है, ना वहाँ की पुलिस को ये लिया। इसका मतलब ये स्टोरी जो है वो दुरुस्त नहीं है। इसलिए अदालत ने हैंस द रिकवरी ऑफ अबडक्टिव फ्रॉम द कस्टडी एंड हाउस ऑफ द प्रेजेंट अपीलेंट कुड नॉट बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, ये भी वहाँ से बरामदगी की झूठी कहानी है। एज फॉर रिकवरी ऑफ मोटरसाइकिल इज कंसर्न्ड, नो कलर मार्क मॉडल और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मोटरसाइकिल इज नॉमिनेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। एप्लीकेशन में कोई मोटरसाइकिल का नंबर ऐसी कोई चीज नहीं दी गई थी। इन व्यू ऑफ ऑल अबव इंस्टेंट अपील फाइल्ड बाय मजहर अब्बास इज अलाउड, कन्विक्शन रिकॉर्डेड एंड सेंटेंस अवॉर्डेड टू द अफोरमेंशनड अपीलेंट थ्रू द इम्प्यूम जजमेंट डेटेड 30/11/2019 पास बाय लर्नर ट्रायल कोर्ट लर्नर जज एंटी टेररिज्म कोर्ट 3 लाहौर इज हियर बाय सेट असाइड। He is acquitted of the charge and shall be released forthwith if not required in any other case. तो अदालत ने ये सारे हालात वाक़यात का जायज़ा लेते हुए मजहर अब्बास को रिहा कर दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।